एबीपीएस न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएस न्यूज। मैं शिल्पी त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं देवरिया कुशीनगर से सपा एमएलसी रामावत यादव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं एबीपीएस न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो आपका कार्यक्रम है गाँव की ओर, तो गाँव की ओर सबसे ज़्यादा किसी ने ध्यान दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी सरकार में गाँव के विकास के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए और जितना उन्होंने विकास का काम समाजवादी सरकार में किया उत्तर प्रदेश की किसी भी सरकार ने विकास के लिए उतने बड़े फैसले नहीं लिए। और जो भी चुनाव में वादा हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने किया था उसको पूरा करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। गांव के विकास में जहां उन्होंने सड़क बनाने का काम किया, बिजली के क्षेत्र में भी गांव को भरपूर बिजली देने का काम किया और बिजली के तमाम संयंत्र लगाने का काम अखिलेश जी की सरकार में हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी किसान के हित में, गांव के हित में, नौजवान के हित में और समाज के सभी वर्गों के हित में माननीय अखिलेश यादव जी ने कार्य किया था। आपने ये कहा कि बहुत सारी जगह बिजली है करवाई गई है लेकिन कई प्रदेशों में ऐसा है कि बिजली फ्री दी जा रही किसानों को लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने किसानों को भरपूर बिजली देने का इंतजाम किया पहली बार। उसके पहले प्रदेश में जो भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, किसान को इतने बड़े पैमाने पे बिजली और मुफ्त बिजली दिया हमारी सरकार ने। सिंचाई के सुविधा के लिए जहां नहरों के पानी को मुफ्त किया, वहीं जो सरकारी ट्यूबवेल थे उससे मुफ्त सिंचाई का इंतजाम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। जैसे कि बात करें शिक्षा की, तो गांव के जो स्कूल हैं उसमें साफ सफाई वगैरह नहीं है, शिक्षक नहीं है और जो बच्चे हैं वो आज भी जमीन में बैठ के पढ़ाई करते हैं, इसका कारण क्या है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। माननीय अखिलेश यादव जी ने शिक्षा के सुधार का बड़े पैमाने पर काम किया और इतना नहीं, प्रसिद्धि विद्यालयों में जहां बच्चों को मुफ्त किताब, मुफ्त भोजन, बैग और उनको स्वेटर, जितनी सुविधा हो सकती थी समाजवादी सरकार में, और यहां तक कि मध्याह्न भोजन में उन्होंने फल और दूध का भी इंतजाम अखिलेश जी की सरकार में हुआ और शिक्षा को सुधारने का, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम अखिलेश जी की सरकार में बड़े पैमाने पे हुआ। और हम कह सकते हैं कि यदि जनता ने दोबारा मौका दिया होता तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही कुछ और होती, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र होता, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र होता या कोई भी क्षेत्र होता, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। मतलब कि जो गांव में जो अस्पतालों की स्थिति है वो सब जो, और शिक्षा के प्रति जो नहीं हो पा रहा है वो सब आपकी सरकार में होता? आज गांव के अस्पतालों की चाहे विद्यालयों की स्थिति बहुत ही खराब है, लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो मुफ्त दवा का इंतजाम समाजवादी सरकार ने किया। पहली बार उत्तर प्रदेश की कोई सरकार जिसने कहा कि हम दवा मुफ्त देंगे और सरकारी अस्पतालों में, चाहे गांव का अस्पताल हो चाहे शहर का अस्पताल हो, मुफ्त दवा देने का काम अखिलेश जी की सरकार में हुआ था। जैसे ये बताइए कि आपके हिसाब से ग्राम पंचायत क्या मायने रखती है? ग्राम पंचायतों का बहुत मायने है, वो प्रथम इकाई है देश की ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायतें विकास का काम करती हैं और गांव का विकास ग्राम पंचायत के माध्यम से होता है।
तो हमारी समाजवादी सरकार ने ग्राम पंचायतों को भी मजबूत करने का काम किया था। आपको ये नहीं लगता कि आपके हिसाब से कि आप दो भारत हो गए हैं, एक ग्रामीण और शहरी नाम के, कि क्योंकि गांव की तरफ तो कोई ध्यान, कोई भी सरकार हो ध्यान नहीं देती है, सिर्फ शहरों की तरफ ही ध्यान दिया जाता है। नई समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, गांवों पे विशेष ध्यान देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ हो, चाहे आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो तो गांव के विकास का काम उन्होंने किया, और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में गांव के विकास के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए गए। गांव में पहली बार 2 शिफ्टों में 14 से 18 घंटा बिजली देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। गांव के विकास के लिए, किसान का जब विकास होगा तो गांव का भी विकास होगा, उसके लिए नहर की पानी पहली बार मुफ्त हुआ। और मैंने बताया कि ट्यूबवेल, जो सरकारी ट्यूबवेल थे, उनका भी पानी फ्री इस सरकार ने दिया। गांव में दवा का, पढ़ाई का सब इंतजाम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया, और गांव के विकास के लिए बजट अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश के गांवों को देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। लोहिया गांव, जनेश्वर मित्रा गांव बना करके गरीबों को अच्छा घर देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। तो हम कह सकते हैं कि समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने गांव के विकास के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, और गांव के विकास के लिए उन्होंने काम किया। आपके हिसाब से कि गांव की जो जनता है वो देश को उन्नत बनाने में क्या योगदान दे सकती है? देश के उन्नति में गांव के ग्रामीण इलाकों का बहुत बड़ा योगदान है। बिना गांव के हमारा देश मजबूत हो नहीं सकता, और मेरा देश गांव का देश है। ये बताइए कि जो गांव के, जो गांव में जो बच्चे होते हैं बहुत सारे जो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन स्कूल में जो प्रतियोगिता वगैरह होती नहीं है तो उसमें वो बहुत सारे जो गरीब बच्चे होते हैं उनमें टैलेंट होता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके लिए जो योगी सरकार थी उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? समाजवादी सरकार में जो प्रतिभावान छात्र थे, छात्राएं थी, बच्चे थे, नौजवान थे, उनको अवसर देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। समाजवादी सरकार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ, स्टेडियम, ग्रामीण इलाके में स्टेडियम बनाने का काम हुआ, ताकि जो प्रतिभावान खिलाड़ी हों उनको अवसर मिल सके, और ये काम अखिलेश जी की सरकार ने किया। कोई क्षेत्र बाकी नहीं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़कों का मामला हो, बिजली का मामला हो, हर क्षेत्र में अखिलेश जी की सरकार ने गांव के विकास के लिए बड़े बड़े कदम उठाए, और मैं ये कह सकता हूं कि उतना विकास के लिए कोई भी सरकार कदम उत्तर प्रदेश में नहीं उठाया। अगर बात करें रोजगार की, तो जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि हर जो पढ़ा लिखा इंसान होगा उसको रोजगार दिया जाएगा। इस बात पर आप कुछ कहना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार ने जो घोषणा किया था चुनाव के दिनों में कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी या रोजगार देंगे, उनका दावा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। कहीं रोजगार और नौकरी का इंतजाम नहीं हुआ। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो जहां नौजवानों को और बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी का भत्ता दिया, नौजवानों को रोजगार दिया, वहीं नौजवानों को भारी पैमाने पर नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ। ये बताइए कि आपके हिसाब से गांव में क्या क्या होना चाहिए जो जो आम इंसान है वो अपने परिवार को खुश रख सके और खुद भी खुशहाल जिंदगी जी भाई, सके? जितनी सुविधाएं शहरी इलाके में लोगों को चाहिए, उतनी सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में भी होना चाहिए। गांव में भी अच्छा अस्पताल हो, गांव में भी अच्छे विद्यालय हो, गांव में भी अच्छी सड़क हो, गांव में भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। तो जितनी सुविधा शहरी इलाके को चाहिए, उतनी ही सुविधा ग्रामीण इलाकों को चाहिए। और जब ग्रामीण इलाकों में उतनी सुविधाएं दी जाएंगी, जब ग्रामीण इलाका विकसित होगा,
तो हमारा देश विकसित होगा, हमारा देश खुशहाल होगा, हमारा देश मजबूत होगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे, इस जीत जो आपकी जीत हुई है इसके लिए क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? भाई सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं और जनता को, गोरखपुर और फूलपुर की सम्मानित जनता को बधाई देता हूं समाजवादी पार्टी की ओर से कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा के इस उपचुनाव में गोरखपुर की और फूलपुर की जनता ने, महान जनता ने समाजवादी पार्टी को शानदार समर्थन दे करके जिताने का काम किया। हम बधाई देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों से और उनके कार्यों से 5 साल में जो समाजवादी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी ने जो विकास का काम किया, आज उन विकास के कामों पे जनता ने अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी वादे हुए थे, एक भी वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे नहीं किए। इस नाते जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। मैं बहुजन समाज पार्टी के साथियों को और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब लोगों ने मिलजुल करके पीस पार्टी, निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता, सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का और मजबूत करने का काम किया है। मैं पुनः एक बार गोरखपुर की सम्मानित जनता को, फूलपुर की सम्मानित जनता को मैं बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो थे कुशीनगर देवरिया से सपा MLC राम मावत यादव जी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब बड़ी ही सूझबूझ के साथ दिए हैं। आगे भी हम आपको अन्य जन प्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए शिल्पी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।